आज मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया फ्री वर्क परमिट के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया का फ्री वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो, कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की आपकी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्या कॉस्ट आती है आपको, क्या सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको चार स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का फ्री वर्क परमिट लेना चाहते हैं। मेरा नाम है एके वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रोप सर्विसेज। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि कौन सी वैकेंसी इस टाइम चल रही है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले चल रही है फ्रूट पैकिंग में, वेयर हाउस वर्कर, क्लीनर, हाउसकीपिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, एज अ टेक्नीशियन आप अप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड में कर सकते हो, कैशियर और सुपरवाइजर, और अगर आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत वर्क पता है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर में भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी केसेस में कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ ना स्कैम हो गया है कि किसी को उन्होंने 57,000 दिए और उन्होंने उनको फेक ऑफर लेटर दे दिया। आपके साथ भी कोई ऐसी डील करता है कि आपको ऑफर लेटर के पहले पैसे देने या कोई ऐसी चीजें, तो उस सब के लिए कैसे बच सकते हो, किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं उन पर्सन की चैट दिखाऊंगा आपको। ये देखिए आपके सामने उनकी चैट है, इस पर सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है कि लाइक कैसे, मतलब कितने 50,000 उन्होंने दिए थे, उसके बाद उनको ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर में आपको बताता हूँ कि ऑफर लेटर हमने कैसे वेरीफाई करा कि ये फेक है। ये आपके सामने मैं ऑफर लेटर दिखाता हूँ, ये 2 पेज का ऑफर लेटर था और इसको हमने वेरीफाई करा तो पता लगा कि बिल्कुल ही फेक ऑफर लेटर है, किसी ने एडिट करके उनको दिया था। तो देखो जी, इन सब से लाइक स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को ऑफर लेटर फेक मिल रहे हैं, लोग से पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ तो 57,000 की बात है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनके साथ 5 से 6 लाख की कमिटमेंट करके उनके पैसे लेके और एजेंट अब गायब हो चुके और उनका फोन भी नहीं उठा रहे। जब इन्होंने मुझसे ये चैट करी और मुझे सारी चीजें बताई तो मैंने उनको गाइड करा कि आप फ्री में कैसे वर्क परमिट ले सकते हो, वो भी खुद से। देखो, आपको अगर नॉलेज है, आपको अगर पता है कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब वैकेंसीज फाइंड करनी है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप ये प्रोसेस खुद से कर सकते हो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता मुझे पैसे दो, मैं नहीं कहता किसी को 5-10 लाख रुपए दो, आप फ्री में प्रोसेस करो, थोड़ी मेहनत करो, अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करो, अपने डॉक्यूमेंट्स में मेहनत करो, तो डेफिनेटली आपका वीजा आएगा। कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, देखो मैं आपको स्टेप्स गाइड करूंगा, आपको चीजें बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी ऑस्ट्रेलिया का फ्री वर्क परमिट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज आप सबकी बदौलत मेरे यूट्यूब चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारी फैमिली ऐसे ही बहुत बड़ी हो। इसी खुशी में मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो और आपका वीजा नहीं आ रहा, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपर 1-2-3 मिनट की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। आपने कैसे अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना है, कैसे जॉब वैकेंसीज फाइंड करनी है, कैसे आपको ऑफर लेटर मिल सकता है, सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में गाइड कर दूंगा। तो आप व्हाट्सएप पे प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो ये 4 स्टेप है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना पड़ेगा ताकि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। देखो, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स अगर रेलिवेंट रखोगे, जॉब के रेलिवेंट रखोगे और अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, तो फिर ही आपको कोई लाइक रिस्पांस मिलेगा किसी कंपनी से। पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आता है सीवी कवर लेटर। सीवी कवर लेटर सबका रेलिवेंट होना चाहिए आपकी जॉब से, आपकी प्रोफाइल से, उस पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, आपने क्या क्वालिफिकेशन करी है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप आता है, वो होता है अप्लाई करने का। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं अप्लाई करने में कि वो कंपनी का डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करते, कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ये नहीं चेक करते, क्या एक्सपीरियंस की नीड है या फ्रेशर की नीड है, ये सारी चीज़ें नहीं चेक करते और ऐसे ही अप्लाई करते, तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर वो हार मान जाते हैं और अप्लाई नहीं करते। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है वो होती सीक और Zora.com, वैसे इंडिया की वेबसाइट होती है वो होती Indeed.com, हम उस पर अप्लाई करते हैं। देखो, उस पर हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के हिसाब से हमें सर्च करना पड़ता है। लाइक अगर आप स्टोर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्टोर सुपरवाइजर के हम पहले डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि कंपनी हमसे क्या क्या मांग रही है, कितने टाइम का उनको एक्सपीरियंस चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्शन पहले अच्छे से पढ़ना होता है। आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो, उसको लाइक एनालाइज करो अच्छे से, उसके बाद ही किसी कंपनी में अप्लाई करो। आपने ऐसे ही Seek.com पे जाना है, Zora.com पे जाना है, वहाँ पे अपनी लाइक कीवर्ड जिस भी जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हो वो कीवर्ड वहाँ पे सर्च करो, उसके बाद आपके साथ बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, उनमें आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। CV अपलोड करने का ऑप्शन, कवर लेटर अपलोड करने का ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, पर आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ CV अपलोड करा, आपने साथ में कवर लेटर जरूर अपलोड करना है, बिकॉज कि उसी से आपका लाइक रिस्पॉन्स आने का कंपनी का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं कि आप Seek.com पे अप्लाई कर लो, Zora पे अप्लाई करो, आपको वीजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से सारी चीज चेक करनी पड़ती है, अच्छे से आपको कंपनीज चेक करनी पड़ती है, अच्छे से आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है, तभी आपको कोई कंपनी ऑफर लेटर देगी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की,
कि अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई करा उसके बाद अगर कंपनी ने आपको ऑफर लेटर भेज दिया उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। देखो अगर कंपनी ने आपको ऑफर लेटर मिल दिया तो 90% चांसेस होता है कि आपको वीजा मिल जाएगा। पर सबसे पहले पता क्या बात होता है कि बहुत सारी कंपनीज ना आजकल ऐसी हैं जो स्कैम कर रही हैं, जो फेक ऑफर लेटर दे रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया किसी को फेक ऑफर लेटर आया था, आपने ऑफर लेटर चेक करना है पहले सही से कि लाइक कंपनी क्या जेन्युइन कंपनी है, क्या उसकी रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलिया में, कितने लाइक वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या रिव्यूज है कंपनी के। आप सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कंपनी के रिव्यूज क्या हैं, आप रिव्यूज देखो कंपनी के, आप कंपनी की लाइक कितनी ब्रांचेज है, सारी चीजें चेक करो और ऑफर लेटर अपना सही से चेक करो कि ऑफर लेटर में कितने टाइम का बॉन्ड है, कितनी सैलरी है, कितनी लीव मिल रही है आपको, क्या वो कंपनी आपको आगे जाकर बेनिफिट देगी, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो फोर्थ स्टेप में मैं आपको बात करूंगा वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है, वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नीड होती है। देखो ऑफर लेटर की हमें कोई ज्यादा नीड नहीं होती बिकॉज कि हमें सिर्फ वो एम्प्लॉयर को इंप्रेस करना होता है, एम्प्लॉयर के लिए हम सीवी कवर लेटर बनाते हैं, एम्प्लॉयर के लिए सारी चीजें होती है। आपको ऑफर लेटर एक बार मिल जाता है उसके बाद आपने एम्बेसी में फाइल लगानी होती है जो ऑनलाइन पोर्टल पर लगती है, वो मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेन होते हैं। सबसे पहले देखो आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आपके पीसीसी और मेडिकल लगते हो, जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ये सारा पैकेज बना के आपको ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। उसके बाद देखो आपका ऑफर लेटर जेन्युइन है अगर तो आपको वीजा मिलेगा, अगर आपका ऑफर लेटर जेन्युइन नहीं है, कोई फेक ऑफर लेटर है या आपने ही कोई फेक ऑफर लेटर अपलोड कर दिया वहां पे ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया में बैन भी हो सकते हो। उसके बाद दोबारा कोई चांसेस नहीं होते कि दोबारा आप कभी अप्लाई कर सको ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट या किसी भी वीजा के लिए। तो आपने सबसे पहले ज्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना ऑफर लेटर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे कि कोई चीज फेक नहीं होनी चाहिए। यही सारे स्टेप से मेरे कितने ही जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आज ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, अच्छा सैलरी पैकेज उनका है, ये सारी चीजें लाइक उन्होंने अच्छे से ही फॉलो करी थी, जैसे मैंने उनको बताया, जैसे मैंने उनको गाइड करा। देखो कहीं ना आपका हार्डवर्क भी काम आता है, ठीक है, आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है, अपने आप पे खुद काम करना पड़ता है तो ही आपको वीजा मिलता है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स को मिला है। मैं होपफुली मैं मतलब काफी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स बाहर गए हुए हैं उनसे मैं वीडियोज बनाऊँ, टेस्ट मनीज बनाऊँ, ताकि आप भी मोटिवेट हो, आपको भी ये ना लगे कि वीजा लगते नहीं। जैसे कि लोग ना बहुत निराश हो जाते हैं जिनका काफी टाइम से वीजा नहीं आ रहा, काफी टाइम से उनको ऑफर लेटर कुछ मिल नहीं रहा, तो काफी लोग निराश हो जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत जल्द ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जिनमें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आप भी कैसे जा सकते हो, या फिर हमसे अगर मैंने उनकी हेल्प करी तो कैसे करी और आप भी कैसे जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको वो खुद गाइड करेंगे। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 लाइक इस वीडियो पे कराने होंगे। अगर 1000 लाइक होते हैं तो जो मेरे सब्सक्राइबर जो बाहर गए मैं उनकी वीडियोस डेफिनेटली आपके पास लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। और प्लीज मैं आपको ये चीज जरूर बोलता हूं कि आपने स्कैम में नहीं फंसना, किसी को लाख दो लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट ना फ्री में मिल रहा है, तो आप फ्री की तरफ जाओ और आप अपने प्रोफाइल पे काम करो। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं किसी को 10 लाख दे दूंगा 20 लाख दे दूंगा वो आपको वीजा दे देगा, ऐसा नहीं होता, आपके साथ फ्रॉड ही होगा, आप अपने पैसे ही खराब करोगे। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको सीवी कवर लेटर के रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपने अप्लाई करना है या अपने गाइडेंस लेंगे तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप कॉल करें मुझसे और मेरी टीम से बात करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको 0 to वीजा तक का प्रोसेस क्या होगा।